इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर आपके साथ रूबरू हैं। आज हम बात करेंगे सम्मित पात्रा की, नहीं सम्मित पात्रा नहीं, डॉक्टर सम्मित पात्रा जी की। जी हाँ, डॉक्टर सम्मित पात्रा जी की आज बात होगी। वैसे तो ये चर्चाओं में रहते हैं हमेशा, या फिर ये समझ लीजिए कि ये कोशिश करते हैं कि ये चर्चा में रहें। वैसे तो अगर पॉलिटिक्स के तौर पर देखें तो वैसे तो कोई इनको इतना काम नहीं है या कोई इतनी जिम्मेदारी इनके ऊपर नहीं सौंपी गई है। जिम्मेदारी भी वही सौंपी गई है जिसको ये निभा सकें, और ये वो जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं, यानी कि बीजेपी के स्पोक पर्सन हैं और ज़्यादातर इनके टीवी चैनल्स पर बाइट्स आ जाती हैं। लेकिन आजकल टीवी चैनल्स ने इनको तवज्जो देना बंद कर दी है, क्योंकि जनता भी अब सुन सुनकर पक गई है। जनता कुछ नया सुनना चाहती है और जनता कुछ सच सुनना चाहती है। तो आजकल और जितने लोग हैं जिनकी बाइट्स टीवी चैनल्स पर आती थी, हालांकि गोदी मीडिया अभी भी इनको वही स्पेस दिया हुआ है, लेकिन उसके अलावा जो और चैनल्स हैं उस पर अब ये कम देखने को मिलते हैं। लेकिन आजकल ट्विटर्स पर इनके बहुत जोर हैं, हर दूसरे तीसरे दिन ट्विटर्स पर आ जाते हैं, ट्विटर पर ट्वीट करते हैं, और ट्वीट भी इनका ऐसा होता है कि सामने वाले को ऊपर से लेके नीचे तक जला के फेंक दे। यानी कि ये ट्वीट काफ़ी ज़्यादा जहरीले करते हैं। अपने जहरीले ट्वीट्स के लिए भी सम्मित पात्रा जी मशहूर हैं। लेकिन कहते हैं कि कभी ना कभी ऊंट पहाड़ के नीचे ज़रूर आता है, तो इस बार भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। क्योंकि सम्मित पात्रा ने जो ट्वीट्स गांधी परिवार को लेके किए थे, जो ट्वीट्स नेहरू को लेके किए थे, उन पर अब बवाल होना शुरू हो गया है। यानी कि जो ट्वीट्स इन्होंने किए थे, जो ट्वीट्स इन्होंने गांधी परिवार को लेकर किए थे, अब उसने तूल पकड़ना शुरू कर दी है। यहाँ तक कि इनकी दो जगह FIR भी हो गई। जी हाँ, इनकी महाराष्ट्र के थाने में FIR हुई है, इसके साथ साथ नागपुर के रायपुर में भी FIR हुई है, और अभी अभी खबर ये भी आई है कि अब इनके ऊपर मानहानि का मुकदमा भी कर दिया गया है। यानी कि अब सम्मित पात्रा जी का बचना मुश्किल है। डॉक्टर सम्मित पात्रा जी की जुबान पर अब लगाम लगना लाजमी है। ये लगाम चाहे कुछ दिनों के लिए हो, लेकिन ये लगाम अब लगना लगभग तय माना जा रहा है। क्योंकि इसमें अगर हम बात करें IPC की धारा 500 की, तो इसमें या तो 2 साल तक की सज़ा होती है, या फिर इसमें भारी जुर्माना भी देना होता है, या ये दोनों चीज़ें ही हो सकती हैं। अब हम बात कर लें कि क्या वो जहरीली बातें थीं कि जिसकी वजह से इन पर 2 FIR हुई, और जिसकी वजह से इन पर मानहानि का दावा हो गया, और मानहानि का केस भी अब इन पर चलेगा। इन्होंने नेहरू यानी कि हमारे प्रधानमंत्री जो थे, उनके लिए कहा कि अगर नेहरू ना होते तो शायद कश्मीर विवाद पैदा ही ना होता। तो कश्मीर विवाद के लिए इन्होंने पूरा इल्ज़ाम जवाहरलाल नेहरू जी पर लगाया है। उसके साथ साथ सम्मित पात्रा ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के पिता यानी कि राजीव गांधी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया है कि उनका बुफर्स चोरी में हाथ था। अब हम आपको बता दें ये बुफर्स चोरी क्या थी। बुफर्स चोरी 18 मार्च 1986 में स्वीडिश मैन्युफैक्चर आर्म्स कंपनी के साथ एक डील की गई थी। उस डील में राजीव गांधी भी थे। बाद में वहीं के एक रेडियो चैनल ने यह दावा किया कि इस डील में इंडियन पॉलिटिशियंस को काफ़ी पैसा खिलाया गया है, यानी कि ब्राइब रिश्वत दी गई है, उसके बाद ही ये डील साइन हुई है। इसके साथ साथ एक और संगीन इल्ज़ाम सम्मित पात्रा ने राजीव गांधी पर लगाया कि उन्होंने 3000 सिखों का नरसंहार किया, यानी कि 3000 सिखों को मरवाया था। तो इस तरह की बातें सम्मित पात्रा ने कही, और सम्मित पात्रा ने यह भी कहा अब मेरी इन बातों की शिकायत ये टीचर से करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि टीचर वो किसको बोल रहे थे। बहरहाल इस बार लग रहा है कि कुछ बोलना उनको महंगा पड़ सकता है, हालांकि वो BJP के सीनियर प्रवक्ता हैं। देखते हैं ये केस कितनी दूर जाता है, ये बात जब निकली है तो देखते हैं आखिर कितनी दूर तक जाती है। तो इसी इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ के साथ होगी आपके साथ मुलाकात। कुछ कहना है या लिखना है तो अभी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप कर सकते हैं मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार। जय हिंद।